सो है एवरीवन, आई एम शाम। और बात करते हैं सर्कल के एरिया के बारे में, मतलब सर्कल के एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर क्यों होता है, मतलब सर्कल पाई आर स्क्वायर ही क्यों होता है, पाई क्यों आता है, इसका डेरिवेशन क्या है, वो सब बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक सर्कल बनाते हैं। सर्कल सबसे पहले क्या बनाऊंगा, एक सेक्टर बनाऊंगा, ये बनाया, ओके, बनता नहीं है जल्दी, बन गया। ठीक है, ये क्या है, एक सर्कल का क्वार्टर, और पूरे सर्कल को कंप्लीट करने के लिए यहाँ तक कर दिया, ओके, समझ गए होगे, जैसा भी है, ये सेंटर ओ, इस पॉइंट को मैंने माना एक्स, इसको पॉइंट को माना मैंने वाई। ठीक है, अब यहाँ से मैं इस पर्टिकुलर पे, मतलब इस पर्टिकुलर लाइन पे क्या करूँगा, दो लाइनें बनाऊँगा, एक ऐसे और एक ऐसे। ठीक है, ये क्या बन गया, एक सेगमेंट बन गया, जो कि एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, थीटा एंगल पे, और ये जो पॉइंट है ना ए और पॉइंट बी के बीच में एक एंगल है जिसका नाम है कितना, डी थीटा। ठीक है, और ये जो ए और बी के बीच में डिस्टेंस है वो है कितनी, डी एल, ओके। और ये क्या होगा, रेडियस किसकी, सर्कल की। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर क्यों है, ओके, उसको कैसे कर सकते हैं, अभी बता दूं, अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तभी इसको देखना, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन का मैं यूज़ करूँगा, ओके। तो इस सबसे पहले ए ओ बी, इस सेगमेंट के एरिया को समझते हैं। ये ए ओ बी क्या है, एक ट्राइंगल है। ठीक है, तो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ए ओ बी कितना होगा, एक ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ पर बेस कितना है, यहाँ पर बेस है इसकी रेडियस आर। ठीक है, और इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है डी एल। सो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस मल्टीप्लाइड बाय डी एल, ओके। अब ये जो सर्किल है, ये काफ़ी सारे ए ओ बी जैसे सेगमेंट से मिलकर बना है। एक सेगमेंट यहाँ पर है, एक सेगमेंट ऐसा ही आइडेंटिकल सेगमेंट यहाँ पर होगा, ऐसे ही एक सेगमेंट यहाँ पर होगा, ऐसे ही एक सेगमेंट यहाँ पर होगा। मतलब कहने का ये है कि ये जो पूरा का पूरा सर्किल है, ये ए ओ बी जैसे बहुत सारे ट्राइंगल से मिलकर बना है। यानी एरिया ऑफ दिस सर्किल जो है वो इंटीग्रेशन होगा किसका, डी ए का। और यहाँ पर डी ए क्या है, ये एंगल ऑफ, सॉरी एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर सेगमेंट ए ओ बी, ओके। अब ये जो डी ए है, इसको थोड़ा और एलैबोरेट करते हैं। डी ए क्या है, हाफ आर डी एल। यहाँ पर डी एल क्या है, डी एल है यहाँ पर आर्क। इसको अगर मैं रेडियस से डिवाइड करता हूँ तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, ये डी थीटा के बराबर आता है। यहाँ पर डी थीटा का एक एंगल है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ पर डी थीटा का एंगल है, डी एल क्या है आर्क, और आर्क क्या है रेडियस है, यानी एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तो डी एल यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से डी एल हो जाएगा आर डी थीटा, ओके। तो एरिया ऑफ सर्कल जिसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो इंटीग्रेशन है किसका, डी ए का, जिसको मैं 1/2 मल्टीप्लाइड बाई आर और मल्टीप्लाइड बाई डी एल। यहाँ पर डी एल क्या है, ये आर डी थीटा, आर डी थीटा। इसको फर्दर मैं यूज़ करता हूँ तो हाफ आर स्क्वायर को मैं बाहर ले लूँगा, अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा। और हम जानते हैं इंटीग्रेशन में हम लोग को लिमिट लेनी पड़ती है। ठीक है, यहाँ पर लिमिट्स क्या होंगी, यहाँ पर लिमिट्स होंगी 0 से लेके कहाँ तक, 2π तक। क्योंकि 2π क्या होता है, 360 डिग्री, और पाई क्या होता है, 180 डिग्री। और 360 डिग्री मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक होगा पाई और पूरा होगा 2π। ठीक है, तो इंटीग्रेशन के अगर हम लिमिट्स लगाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या आएगा, 2π माइनस 0। ठीक है, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो एरिया है किसका, सर्किल का, वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर पाई क्या है, पाई कुछ नहीं है, पाई कैसे है, पाई बेसिकली इंटीग्रेशन, यहाँ पर जो एंगल है ना, इसकी जो लिमिट्स का यूज़ करके पाई की वैल्यू यहाँ पर आ गई। पाई यहाँ पर इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन का यूज़ करा है, ओके। और पाई एग्जैक्टली है क्या, पाई का मतलब है कि कोई भी सर्किल, अगर कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप है जिसमें उसका सर्कमफेरेंस और उसका डायमीटर का रेशियो का 3.14 ये आ रहा है, तो वो जो कांस्टेंट वैल्यू, उस कांस्टेंट वैल्यू को बोलते हैं पाई। तो पाई क्या है, एक प्योर सर्कल की सर्कमफेरेंस और डायमीटर के रेशियो होता है पाई। ठीक है ना, सो समझ में आया, आई होप, एंड इफ यस थैंक्स फॉर वॉचिंग।